press the bell icon on the YouTube app and never. अगर इस्लाम मानते तो इस्लामिक पनिशमेंट भी वहां होता है ना, तो इस्लामिक पनिशमेंट तो कुछ भी नहीं है वहां पर, इस्लामिक पनिशमेंट को साइड कर दिया गया है। आज हमारे भारत के मुसलमान से अगर बात कीजिएगा या पाकिस्तान के मुसलमान से जब आप बात करते होंगे, हमारी पहली प्रायोरिटी तो अल्लाह तबारक ताला होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे हम मुसलमानों की पहली प्रायोरिटी अल कुरान होनी चाहिए, इन्होंने शरिया को दे दिया है पहली प्रायोरिटी। ठीक है, अब आती है बात कि ये जितने भी इबादत गाह रिलीजियस प्लेस होते हैं वो बहुत सेफ प्लेस होते हैं अश्लीलता के नंगे नाच के लिए, कोई देख नहीं पाता है ना, और फिर लोग जल्दी बोलना भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे हमने ये देखा। अब मैं आपको एकदम ओरिजिनल घटी हुई घटना बता देती हूँ। मुझे कुछ लोगों ने बहुत जिद किया दिल्ली में, ये क्या एक मज़ार है, नाम भूल रही हूँ मैं, जो वो मज़ार जाने के बाद फिर अजमेर जाया जाता है, निजामुद्दीन का मज़ार, बड़ा गंदा रहता है, बड़ा घिनौना रहता है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मुजफ्फर चौधरी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाजिया खान जी, और ये दोनों चर्चा करेंगे बड़े एक इंपॉर्टेंट और जबरदस्त टॉपिक पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी दमदार, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। पर जो मज़ारात के ऊपर जो खिलवाड़ होता है वो भी ऐसे ही होता है कि जैसे अरब के अंदर हमने देखा कि ये मुबारक जगह पर है, तो ये आप जैसे कि आप पहले भी बता चुकी हैं कि जो भारत के जो बड़े बड़े मज़ारात हैं वहाँ पर भी ये सारा खेल होता है। पाकिस्तान के अंदर भी हम इसी तरह के वाक़े सुनते रहते हैं। दाता दरबार जो है वहाँ बड़ा फेमस है कि वहाँ पर भी लड़कियों का धंधा होता है, बाकायदा धंधे होते हैं कि लड़कियाँ जो घर से भाग के जाती हैं वहाँ पर उनको आगे वहाँ सप्लाई किया जाता है और उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ होता है। तो ये मेरा सवाल वही यही है कि ये इन जगहों का इस्तेमाल, इतनी मुबारक जगहों का इस्तेमाल ही क्यों इस धंधे के लिए किया जाता है? सेफ प्लेस, सेफ प्लेस फॉर क्राइम, सेफ प्लेस फॉर न्यूडिटी। भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, सीरिया के मुसलमान, ईरान के मुसलमान कहाँ इस्लाम मानते हैं? इस्लाम को नहीं मानते। अगर इस्लाम मानते तो इस्लामिक पनिशमेंट भी वहां होता है ना, तो इस्लामिक पनिशमेंट तो कुछ भी नहीं है वहां पर, इस्लामिक पनिशमेंट को साइड कर दिया गया है। आज हमारे भारत के मुसलमान से अगर बात कीजिएगा या पाकिस्तान के मुसलमान से जब आप बात करते होंगे, हमारी पहली प्रायोरिटी तो अल्लाह तबारक ताला होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे हम मुसलमानों की पहली प्रायोरिटी अल कुरान होनी चाहिए, इन्होंने शरिया को दे दिया है पहली प्रायोरिटी। ठीक है, अब आती है बात कि ये जितने भी इबादत गाह रिलीजियस प्लेस होते हैं वो बहुत सेफ प्लेस होते हैं अश्लीलता के नंगे नाच के लिए, कोई देख नहीं पाता है ना, और फिर लोग जल्दी बोलना भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे हमने ये देखा। अब मैं आपको एकदम ओरिजिनल घटी हुई घटना बता देती हूँ। मुझे कुछ लोगों ने बहुत जिद किया दिल्ली में, ये क्या एक मज़ार है, नाम भूल रही हूँ मैं, जो वो मज़ार जाने के बाद फिर अजमेर जाया जाता है, निजामुद्दीन का मज़ार, बड़ा गंदा रहता है, बड़ा घिनौना रहता है, मतलब चप्पल उतार करके जाना पड़ता है और फिर से मतलब पैर तो ऐसा हो जाता है जैसे भीख मांगने वाला है, इतना गंदा रहता है। तो मैं जब अंदर एंटर कर रही थी तो वह गुफा टाइप का है, और राइट हैंड साइड में अगर आप एंटर कर रहे हैं जाने के लिए तो राइट हैंड साइड में एक तालाब है बहुत बड़ा, और उसकी भी कहानियां जो है वो गाइड बताता है कि इसमें एक सिक्का डालिए और ये करिए, मन्नत मांगिए। हालांकि मन्नत वगैरह हमारे अल कुरान के हिसाब से होता नहीं है, तो वो पूरी कहानी बता रहा था, निजामुद्दीन ने ये किया तो ये तालाब बन गया, तो क्या आंसू बह गया तो एक आंसू से तालाब बना, मतलब ऐसा कुछ वो स्टोरी मुझे सुना रहा था और मैं हंस रही थी। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, और दोनों तरफ बैठे हुए फकीर लोग रहते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दीजिए सब, कोई हिजाब पहनी रहती है, कोई टोपी पहना रहा, बड़े गंदे, महक बदबू बहुत होती है। और उसके बाद फिर जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ उस गुफा के अंदर तो मैंने देखा यूज किया हुआ कॉन्डम फेंका हुआ था, और वो यूज्ड कॉन्डम को अपने पैर से उठा करके मैं निजामुद्दीन मजार के अंदर गई हूँ। और वहां पर छोटी हांडी है, बड़ी हांडी है, तो बड़ी हांडी वाले मजार पर मैं गई और वो कॉन्डम मैंने उनका संदूक का जो पैसा लेने के लिए रखा हुआ था उस पर रख दिया पैसे। आप ये क्या कर रही हैं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये आपके मजार में हो रहा था, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। ये यूज्ड कॉन्डम आपके मजार में कर क्या रहा है? ये हुआ पहला इंसिडेंट। फिर उन्होंने मुझे बहुत शांत वांत कराया, उन्होंने मुझे बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की। बहरहाल मैंने बख्श दिया कि ठीक है मैं वीडियो नहीं करती हूँ या लाइव नहीं करती हूँ, मैंने छोड़ दिया। हालांकि वो गलती थी मेरी। मैं अजमेर गई थी, मैंने कहा था ना आपको कि मैं हर जगह एंटर करते रहती हूँ। मैं अजमेर गई थी, अजमेर में एक पूरा ऐसे करके अंगनाई बनी हुई है। हालांकि अजमेर बहुत बड़ा है और पूरा अजमेर मैं नहीं घूमी हूँ, बहुत सारे रूम है, बहुत सारे कमरे हैं, तहखाने में भी कमरे हैं, तो मुझे थोड़ी सी घिन आती है तो मैं पूरा नहीं गई। तो देखा एक आंगन में सब औरतें वो झूम रही हैं, नाच रही हैं, और वो भूत आया हुआ है उनके ऊपर, जिन आया हुआ है। तो मैंने पूछा, जो चिश्तिया मुझे लेकर के गया था जियारत करवाने के लिए, वो उससे मैंने पूछा कि इन लोगों को क्या हुआ है? तो उसने कहा कि अरे मैम इनके ऊपर जिन्नात आया है ना, तो वो जिन्नात उतर रहा है। अब मैं जा करके पालती मार करके, मैंने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ है, वो तस्वीर इंस्टाग्राम पर भी है, मैं धागा बांध रही हूँ। तो मैं एक जो झूम रही थी सबसे ज्यादा जो नौटंकी कर रही थी, मैं उसके बगल में जाकर के बैठ गई। उसको मैंने बहुत जोर से चुटी काटी, बहुत जोर से, एक्सट्रीमली जोर से। वो ऐसे की, मैंने कहा भाई साहब ये कौन सा जन्नत है जो चुटी काटने पर उसको एहसास होता है? शरीर तो जन्नत ने ले लिया ना, तो शरीर कट में चुटी का एहसास नहीं चाहिए। मैंने कहा सुनो ये सब नौटंकियां बंद करो, क्योंकि हम जैसे अगर 3-4 लोग अजमेर आ गए ना, अजमेर में दूसरे दिन ताला लगवा देंगे और कुछ नहीं होने वाला है। अजमेर 1992 मैंने आपके साथ ही मैंने शेयर किया था, ये मास बलात्कार हुआ था वहाँ, न्यूड फोटो शूट होता था वहाँ पर, न्यूडिटी होती थी। आज भी 4 या 5 चिश्तियाँ है जो तिहाड़ जेल में जमा है। आज उसी अजमेर में जो लड़का नुपुर शर्मा के अगेंस्ट में गुस्ताखे रसूल की सजा, सरतन से जुदा का नारा लगाया था, अभी तो बरी हो गया, कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। और उसी के आवास पर कन्हैया को 5 लोगों ने जाकर के गला रेत दिया था। तो ये जो रिलीजियस प्लेस है ना मुसलमानों का, ये बहुत कंफर्टेबल प्लेस है अपनी ठरकबाजी निकालने का, क्योंकि लोगों का ध्यान नहीं जाता है ना, अच्छा यहाँ पर ये हो सकता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में एक गाँव में रिजवान और रिजवाना, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया, 10 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची का रिजवान इमाम साहब जो है वो रेप करते थे और उनकी बीवी रिजवाना उसका वीडियो करती थी, क्योंकि इमाम साहब को छोटी बच्चियों के साथ रेप करना पसंद था और रिजवाना को वो फिजिकल रिलेशन रखना पसंद था। तो वो दोनों अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर कर रहे थे। अब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि लड़कियों पर इतना अत्याचार होता है इस्लाम में, तो वो क्यों नहीं सामने आती है? तो भाई रिजवाना जैसी लड़कियां सामने नहीं आती है, जिनको बेड पर 4 लड़कियों के साथ एक शौहर पसंद आता है, जिनको हलाला करना अपने ससुर के साथ पसंद आता है। तो जो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड महिलाएं हैं इस्लाम के अंदर, वो नहीं, वो क्यों आवाज उठाएंगी? ये तो उनके लिए अच्छी चीज है, बहुत फ्रीडम है। बिल्कुल सही, बड़ी अफसोसनाक ये सूरत हाल है। और बात चीजें तो ऐसी हैं कि हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते अभी खुलेआम। हम बात जो है वो सोच समझ के करते हैं कि ये हमारे ऊपर भी कोई डिस्कस कर लेते, लेकिन मुझे आपकी जान की परवाह है, इसलिए मैं डिस्कस बहुत बंद अल्फाज में करती हूँ। मुझे यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, मेरे बारे में सारी बातें होती हैं कि ये इस तरह के टॉपिक्स क्यों लेके आता है। देखिए हम जो इस्लाम के अंदर इस तरह के काली भेड़े हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं कि ये इनकी वजह से जो इस्लाम बदनाम हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर लोग बातें करते हैं कि ये इस्लाम का जो चेहरा ये खराब कर रहे हैं। तो बजाय ये कि हम इन लोगों को एक्सपोज करें, इन लोगों के खिलाफ बात करें, इनको काबू में करें, ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि ये इस तरह की बात क्यों कर रहा है या ये इन चीज़ों को एक्सपोज क्यों कर रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आप जो है वो खुल के बात कर देती हैं, दबंग बात करती हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग भी आपके जो है चाहने वाले हैं वो मैसेजेस भी करते रहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर नाजिया बहन का रिव्यूज़ लाजमी लीजिएगा। ये भी एक जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने ये वीडियो भी सेंड की थी और बोला था कि ये नाजिया बहन से ज़रूर इस पर बात कीजिएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपना टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने कैसे बेखौफ तरीके से इस्लाम मजहब में जो भी पाक यानी पवित्र जगहें मानी जाती हैं वहां पे क्या गलत काम होते हैं और कैसे कैसे कांड होते हैं उसको एक्सपोज किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।